कबीर दास की कबीर अमृत वाणी में गुरु उपदेश के महत्व के बारे में। कबीर दास के नजरिए से गुरु के ज्ञान का क्या महत्व होता है, गुरु के उपदेश का क्या महत्व होता है, अथवा ज्ञान का क्या महत्व होता है? क्या चाहे वह हमने गुरु से प्राप्त किया हो या कहीं और से, ज्ञान का क्या महत्व होता है, इसके बारे में बात करेंगे। या दुनिया में आए के छाड़ दे तू ऐठ, लेना है सो ले ले, उठ ही जाते हैं पैठ। अर्थात संत कबीर कहते हैं कि तू इस दुनिया में आया है तो अपने घमंड को त्याग दे। यह मनुष्य का जीवन बहुत ही दुर्लभ होता है, अतः जो भी उत्तम ज्ञान है, दया है, धर्म है, उसे अपना। इस संसार रूपी बाजार से उत्तम ज्ञान, श्रेष्ठ संस्कार इत्यादि ग्रहण कर ले, अन्यथा यह संसार रूपी बाजार एक दिन उठ जाएगा और तू निहत्था रह जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना भी ज्ञान है वह भी उत्तम, उसे ग्रहण कर। मनुष्य जीवन काफी दुर्लभ होता है, अतः इस जीवन की महत्व को समझ। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस से लोह भस्म हो जाए। अर्थात संत कबीर कहते हैं, किसी कमजोर निसहाय व्यक्ति को कभी भी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उसकी हाय बहुत ही तीव्र होती है। जिस प्रकार लोहार के दुकान में आपने देखा होगा हवा करने वाली धौकनी, जिससे आग पर हवा की जाती है और वह आग प्रज्वलित होकर लोहे को भस्म कर देती है, उसी प्रकार गरीब और असहाय तथा कमजोर व्यक्ति को सताने पर उसके द्वारा लगी हाय आपके अहम घमंड सभी को नष्ट करने में सक्षम है। अतः कभी भी कमजोर निसहाय को नहीं सताना चाहिए। सत ही में सत बाटई, रोटी में ते टूक, कहे कबीर तय दास को कबहु न आवे चूक। अर्थात संत कबीर कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरे के लिए भी अच्छे कर्म करता है, दूसरे की भलाई के लिए सोचता है, यदि उस व्यक्ति के पास एक रोटी है और वह भूखा है, परंतु दूसरे किसी भूखे व्यक्ति को देखकर अपने उस एक रोटी का टुकड़ा भी दूसरे व्यक्ति को बांट देता है, ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति जो बहुत थोड़े में से भी दूसरे की भलाई की सोचता है, वह व्यक्ति महान होता है, उसे किसी बात का कभी कोई कमी नहीं होती। कहे कबीर दे तू, जब लग तेरी देह खेह हो जाएगी, कौन कहेगा देह। अर्थात कबीर दास कहते हैं, जब तक यह मानव शरीर जीवित है तब तक सारे परोपकार कर ले, भलाई कर ले, अच्छे संस्कार ले ले, क्योंकि जब यह मानव देह नष्ट हो जाएगा तब तुमसे कौन मांगेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यह मनुष्य शरीर तभी सफल होगा जब आप परोपकार करोगे। जो तो को काटा बुए, ताही बो तू फूल, तो ही फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं, जो कोई व्यक्ति तुम्हारा बुरा करे तब भी तुम उसका भला करो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अच्छा ही मिलेगा और उसके द्वारा किया हुआ बुरा कर्म बुरा फल ही देगा। अतः सदैव अच्छा कर्म करो, परोपकार करो, इससे तुम्हारा भला होगा। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख उपजे और ठगा दुख होए। कबीर दास जी कहते हैं, भले ही तुम्हें कोई ठग ले, परंतु तुम किसी को मत ठगो।
अर्थात तुम्हारे साथ यदि कोई छल करता है तब भी तुम किसी के साथ छल मत करो, उसका अहित मत सोचो, क्योंकि आप छले जाओगे, ठगे जाओगे, तब भी तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। परंतु यदि आप किसी के साथ छल करोगे, किसी को ठगोगे, तो उसके परिणाम स्वरूप आपको दुख भुगतना पड़ेगा। अतः सदैव ही दूसरों के साथ परोपकार की भावना रखनी चाहिए। कहते को कहीं जाने दे, गुरु की सीख तुले, साकट जन और स्वान को फेरी जवाब न दे। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं, यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे तब भी तुम उसका बुरा मत मानो, उसे पलट कर जवाब मत दो, क्योंकि तुमने तो गुरु से ज्ञान लिया हुआ है, तुम ज्ञानी हो। अज्ञानी मनुष्य कुत्ते के समान होता है। जिस प्रकार कुत्ते के भौंकने से ज्ञानी लोग पलट कर कुत्ते के समान भौंकते नहीं है, उन्हें पलट कर जवाब नहीं देते, उसी प्रकार तुम्हें अपशब्द कहने वाला व्यक्ति मूर्ख और अज्ञानी होता है, उसे पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए। धर्म किए धन ना घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आंखों देख ही ले, यो कभी कहे कबीर। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं, कभी भी धार्मिक कार्य करने से धन नहीं घटता, अतः यह सोच कर कि धन घट जाएगा और आप धार्मिक कार्यों से विमुख हो जाएंगे, ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि धार्मिक कार्य करने से धन की हानि नहीं होती। आपके धर्म के कर्मों से जो फल प्राप्त होता है उससे आपके यश में बढ़ोतरी होती है। जिस प्रकार नदी से जल निकाले जाने पर उसके जल में कोई कमी नहीं होती, उसी प्रकार धार्मिक कार्य करने से, परोपकार करने से धन की हानि नहीं होती। हाड़ बड़ा हरि भजन करे, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार करी, जीवन का फल यही। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं, यदि आप स्वस्थ हैं तो आप हरि का भजन करें, सत्कर्म करें। यदि आपके पास धन अधिक है तो उसे दान दें, उसे अच्छे कर्मों में लगाएं, क्योंकि मनुष्य जीवन विरला ही मिलता है। इस प्रकार परोपकार करने से यह जीवन सफल होगा। बंदे तू कर बंदगी, तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का, बहुरी न बारंबार। अर्थात संत कबीर कहते हैं, हे मनुष्य, तुम ईश्वर की भक्ति करो, सच्चे मन से परोपकार करो, तभी भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। यह जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, इसे अच्छे कर्मों में लगाओ और इस जीवन को सफल बनाओ, क्योंकि बार बार यह मनुष्य जीवन नहीं प्राप्त होने वाला है। गारी ही से उपजे, कलह कष्ट और मीच, हारी चले सो संत है, लागी मरे सो नीच। अर्थात संत कबीर कहते हैं, गाली से ही कलह, क्लेश, द्वेष, मारपीट आदि की स्थिति उत्पन्न होती है। जो गाली सह लेता है, अर्थात झगड़े में नहीं पड़ता है और शांत होकर वहां से चला जाता है, यानी उस परिस्थिति को टाल देता है, वही व्यक्ति संत होता है। परंतु जो व्यक्ति झगड़े में पड़कर, गाली गलौज में पड़कर अपना समय व्यतीत करता है, वह व्यक्ति नीच होता है तथा इन्हीं सब झगड़ों के कारणों से मृत्यु को प्राप्त होता है। मांगन को भल बोलनो, चोरन को भल चू, माली को भल बरसनो, धोबी को भल धू। अर्थात संत कबीर कहते हैं, जो याचक होता है, जो भिक्षु होता है, उसे बोलना पड़ता है और उसके लिए बोलना ही फलदायक होता है। परंतु जो चोर होता है, उनके लिए चुप्पी
लाभदायक होता है। जिस प्रकार माली को बारिश पसंद है ताकि बारिश होने से उसके फल फूल हरे भरे रह सकते हैं, उसी प्रकार धोबी को धूप पसंद होता है ताकि उसके धोए हुए कपड़े सूख जाए और उसकी रोजी रोटी चलती रहे। अर्थात जो व्यक्ति जिस पेशे में है उस व्यक्ति को वही चीजें पसंद आती है जिससे उनका कार्य सहज से संपन्न हो जाए। मान अभिमान न कीजिए, कहे कबीर पुकार, जो सिर साधु न नमे सो सिर काट उतार। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि मान अभिमान नहीं करना चाहिए, सहजता, कोमलता, परोपकार आदि भावना मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। यदि किसी ज्ञानी के सामने, संतों के सामने जो सिर नहीं झुकता है, ऐसे सिर का ना होना ही बेहतर होता है। काम क्रोध तृष्णा तजे, तजे मान अपमान, सद्गुरु दाया जाहि पर, जम सिर मरदे मान। अर्थात कबीर कहते हैं काम क्रोध मान अपमान और अभिमान को त्याग दो, ऐसा करने से तुम पर सद्गुरु की कृपा होगी। अर्थात संसार के इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। नाम भजो मन बसी करो, यही बात है तंत्र, काहे को पढ़ी पची मरो, कोटि ज्ञान गिरत। अर्थात संत कबीर कहते हैं ईश्वर का नाम जपो तथा उसका ही स्मरण करो, अपने चंचल मन को अपने वश में रखो, यही बात सत्य है, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों को पढ़कर कोई फायदा नहीं है, गुरु ज्ञान ही सच्चा ज्ञान होता है। दोस्तों यह था संत कबीर के नजरिए से ज्ञान का महत्व। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ, नमस्कार। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।